Listen, I'm too happy to have those abs. You'll never see a cover with a wholehearted smile. You look at my abs. It's like that. The photo exactly says that. Normally you have people like who give that grim expression, you know. Right. Abs. Like this. But this is a happy picture. So I'm so happy with the abs. It was so difficult. Finally I was there. So how difficult was it? What all did you do? Quite difficult. I'm a Punjabi at heart. I like eating food. I love Indian sweets. Rasgullas, gulab jamun, jalebis. I love that. Falloodas. And you know, it's just that I had to skip carbs after 6 o'clock in the evening. That's about it. But because I'm naturally lean, I lose weight easily. Right. You know, so it was quite easy for me, relatively. Right. Apart from that, I think it's part of every guy's bucket list to be on the men's health cover. आपकी जितने भी पब्लिक अपीयरेंसेस हुए हैं उसमें आपकी पत्नी हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन आपके बेटे के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, तो थोड़ा सा उस बारे में हम जानना चाहते हैं। वो 1 साल का है, वो चंडीगढ़ में रहता है, तो अवार्ड शो को साथ लेके जाने का कुछ पर्पस नहीं होता है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट क्या जानकारी आप चाहते हैं? उनका नाम विराज वीर है एंड आई एम द यंगेस्ट फादर इन द इंडस्ट्री एंड प्राउड ऑफ इट। यार देखो, मेरे फिल्म के अंदर 53 बच्चे थे तो वो तो मैं पहली फिल्म में ही मतलब महाबाप बना हुआ था, तो आई थिंक इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चाहे आपकी शादी पहले हो बाद में, उसका कुछ सक्सेस से कुछ रिलेशन ही नहीं है। उस फिल्म के बारे में, ये फिल्म है लव स्टोरी इन द टाइम्स ऑफ रिसेशन, काफ़ी रियलिस्टिक अर्दी स्क्रिप्ट है। नुपुर अस्थाना डायरेक्ट कर रहे हैं, हबीब फैजल ने लिखी है, सोनम कपूर मेरे साथ हैं और साथ में ऋषि कपूर हैं, और दो कपूरों के बीच में मैं खुराना हूँ। और उसके अलावा ये फिल्म जो है, इसमें मैं बेरोजगार हो जाता हूँ, अनएम्प्लॉयड हो जाता हूँ, एंड सोनम इज अर्निंग मोर देन मी, एंड ऋषि कपूर इज प्लेइंग एन आईएएस ऑफिसर। नुपुर अस्थाना इज अ यंग डायरेक्टर, वेरी अर्बन, एंड ऑन द अदर हैंड हबीब फैजल काफ़ी अर्दी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो कॉम्बिनेशन बहुत लीथल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सोनम कपूर इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर, एंड शी इज अ वेरी सिंपल गर्ल एट हार्ट। आई थिंक अगर आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, पर्सनली जानते हैं, मे बी आपको लगेगा कि हाँ, शी इज़ अ फैशनिस्टा, अपने कपड़ों को ज़्यादा ध्यान देती हैं, बट आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। आपने रांझना देखी होगी, आई थिंक शी इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब इन द फिल्म, एंड उसके अलावा मुझे स्टाइलिंग टिप्स देती रहती है कभी कभी कि आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ये ठीक है, तो मैं चुपचाप सुनता हूँ, स्टाइलिंग टिप्स लेता हूँ। ऋषि कपूर के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, आई थिंक शी इज़ ही इज़ ब्रिलियंट, और काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे सुन के कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। क्या शराब नहीं पीता, क्या कर रहा तू, कैसा पंजाबी है तू? तो व्हाट मेकिंग सिक्स पैक्स, यू हैव बीन सो सक्सेसफुल एन एक्टर एज एन सिंगर, सो व्हाट इज द नीड टू मेक सिक्स पैक्स? इट वाज जस्ट द कैरेक्टर्स रिक्वायरमेंट, अदरवाइज आई एम नॉट फॉर सिक्स पैक्स। आई थिंक यू शुड लिव अ हेल्दी लाइफ, eat healthy, eat a lot, and just exercise well. It's very difficult to attain these or maintain the six-pack abs. You have to live without carbs. But thank you so much for the compliment that I did not need six-packs. John ne mujhe ye bola tha ki yaar tujhe kya zarurat hai. So, but I think character ki demand se isliye karna pada. Ashman, you're also now hanging out with the A-listers of Bollywood. You're going for Shahrukh Khan's party last night, day before last night. Yeah, that was Raifa, Macau. Right. Everybody was there. Yeah. Right, and there's Mr. Bachchan, and everyone's on your phone. You don't come from a filmy background, right? Do you feel intimidated? How do you keep your confidence levels up? Just that I just control myself in front of them. The fan inside me कभी भी बाहर आ सकता है वो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, I want to do that because I'm from Chandigarh and I see the industry as an outsider. You know, I'm from a small town, so I get that feeling very often when I see these stars with me on stage or in the same party, we're hanging out together. So I just be quiet, I just observe them. You know, otherwise I can just be another fan, just take one paper and pen. आयुष्मान, अगर हम शर्ट निकालने की बात करें तो सलमान का अंदाज था शर्ट निकालना, आज हर एक एक्टर उनकी कॉपी कर रहा है, चाहे वो शाहरुख हो, एनीबॉडी। उसके बारे में क्या कहेंगे आप, कितने इंस्पायर हैं? आई थिंक शर्ट तो शुरू से लेकर उतारते आए हैं, पर सिक्स पैक एब्स नहीं होते थे। हाँ, उतारते हैं, मतलब अनिल कपूर से लेकर धर्म जी से लेकर सबने शर्ट उतारी है, लेकिन अब एब्स नहीं होते थे और तब लोग अपने बाल ट्रिम नहीं किया करते, पर अब हम शायद थोड़े और मेट्रोसेक्सुअल हो चुके हैं और हमारे ऐब अब कम हो गए हैं जो रियल लाइफ के होते हैं। पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर देयर बॉडीज, शराब कम पीते हैं, सिगरेट कम पीते हैं, अपनी बॉडी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो ऐब कम होने से ऐब बढ़ जाते हैं।
Thank you.